Please subscribe and press the bell icon. It sends you notifications. Technology, you know. फोटोजर्नलिज्म में पुलिट्जर अवार्ड जीतने के ठीक दो महीने बाद 27 जुलाई 1994 को केविन कार्टर ने अपने ही कार के एग्जॉस्ट से पाइप जोड़कर कार की खिड़कियां बंद की और अपनी जान ले ली। जिस काम के लिए केविन कार्टर को पुलिट्जर से सम्मानित किया था, उन फोटोग्राफ्स में ऐसा क्या कैद हो गया था कि उसने कार्टर को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं ये क्या है। सुदान पिछले 10 साल से सिविल वॉर की मार झेल रहा था। लगभग 35 लाख लोग मारे जा चुके थे। बाढ़, बीमारियां, सूखा, गरीबी से सुदान वैसे ही परेशान था और बचे कुचे रिसोर्स वॉर के कारण खत्म हो गए। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस ने साउथ सुदान के कॉंगोर, आयोड और वाट कम्युनिटीज को हंगर ट्रायंगल का नाम दिया था। ये सभी खाना और पानी के लिए पूरी तरह यूनेस्को पर डिपेंडेंट थे। यूएन के मुताबिक लगभग 15 लाख लोग भुखमरी और बीमारियों का शिकार थे। यूएन की लगातार रिक्वेस्ट के बाद फाइनली 1992 में सुदानीज गवर्नमेंट ने यूएन को सिर्फ 6 इलाकों में मदद पहुंचाने की परमिशन दी। सुदान में रह रहे लोगों की क्या हालत है, ये बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए केविन कार्टर जैसे फोटो जर्नलिस्ट को भी साथ में ले जाया गया, मगर जर्नलिस्ट ज्यादा कवरेज ना कर पाए इसलिए सुदानीज गवर्नमेंट ने उन्हें सिर्फ 24 घंटे का वीजा दिया। यूएन के लगाए फूड सेंटर्स के पास लंबी कतारें लगी हुई थी। लोग खाने और पानी के लिए तड़प रहे थे, कुछ तो भूख से मर चुके थे। तभी केविन ने कुछ ऐसा देखा जिसे भुलाने की कोशिश वो अपनी आखिरी सांस तक करते रहे। तपती धूप में एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे रेंगते हुए फूड सेंटर की तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे एक गिद्ध एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। केविन ने फोटो क्लिक किया और भागकर उस गिद्ध को उड़ा दिया। मार्च 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने केविन की इस इमेज को पब्लिश किया। फोटोग्राफ के पब्लिश होते ही दुनिया में खलबली मच गई। सुदान की मौजूदा हालात पहली बार दुनिया के सामने आई। सिविल वॉर हॉट टॉपिक बन गया, लेकिन सुदान की हालत को इंटरनेशनल अटेंशन दिलवाने वाले केविन के मोरल एथिक्स पे भी सवाल खड़े हो गए। न्यूज़पेपर उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। उन्होंने फोटो खींचने के बजाय पहले बच्चे की मदद क्यों नहीं की? कुछ लोगों ने पूछा कि उस बच्चे के साथ आगे क्या हुआ। बाद में बीबीसी ने कंफर्म किया कि बच्चा सेफ था। इस ट्रिप के बाद केविन डिप्रेशन में जा चुके थे और जल्द ही ड्रग्स के भी शिकार हो गए और 27 जुलाई 1994 को 33 साल के इस फोटोग्राफर ने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप और कौन से फोटोग्राफ्स के बारे में जानना चाहते हो जिसे मैं इस शो में ये क्या है मैं लाऊं। और तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, ओवर एंड आउट गुरु।